जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्षियों पर साधा निशाना। विपक्ष तीन चरणों के चुनाव की स्थिति देखकर बौखला गई है, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे दिल्ली की शहजादी भी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। बिहार में एनडीए की लहर है, रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है जो चुनावी सभा में बोले, नीतीश कुमार के काम की उपलब्धि खुद को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को बिहार के लोग सुनना चाहते हैं। अन्य प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, यह भी कर रहे हैं। लोगों का डिमांड है रोड शो का। ललन सिंह का जीतना तय है, गोपाल मंडल का चुनाव परिणाम पर बयान देने पर कहा ये उनका व्यक्तिगत अनुमान है, ये पार्टी का आकलन नहीं है। तीन चरणों में जदयू के जहां जहां उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज EYNI। विपक्ष के पास अभी आपने देखा जिस तरह कांग्रेस का अभी तो सब लोग जो है जिस तरह से कर रहा है, जो तीन चरण का जो चुनाव हुआ है ना, इस कारण बौखला गया विपक्ष। न बौखला के कुछ कुछ अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, चाहे उनके जो दिल्ली के जो शहजादे हैं उनका भी बोली देख लीजिए किस तरह गड़बड़ा रहा है। बिहार में तो पूरा एनडीए का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 12 को आ रहे हैं, 13 को फिर हाजीपुर प्रोग्राम है। लगातार बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको पसंद करती है। हमारे नेता दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो उन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, समझे। उनको 18 वर्षों के शासनकाल, जब उनके माता पिता जब तेजस्वी जी का एक भी उपलब्धि है जब वो अपने भाषण में गिनाते हैं, एक भी उपलब्धि, वो अपने 17 महीना हमारे नेता की उपलब्धि बता रहे हैं, हमारे नेता के काम की वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनको रोड पे ले आए हैं, रोड पर ले आए हैं, रोड पे ले आए हम जॉब शो। प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, बिहार भारत का हिस्सा, बिहार जो है बिहार का अहम भूमिका होती है। बिहार के राजनीति में बिहार के लोग सुनना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो सुनना चाहते हैं। और रोड शो कोई बड़ी बात नहीं, सब जगह प्रधानमंत्री जी करते रहे, इसके पहले भी रोड शो किए हैं, अन्य अन्य प्रदेशों में रोड शो किए हैं। तो बिहार की जनता, बिहार के लोग भी, एनडीए के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वहाँ रहे हैं हमारे नेता। मैंने इसमें तो पहले भी मैंने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है, वहाँ हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी खड़ा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका पूरा ऐतिहासिक जीत होगी, एकदम 4 लाख से ऊपर 5 लाख जीत होगी, इसमें कोई संदेश थोड़ा रहे, कोई संदेह। ये बिहार की जनता जो है तमाम सीटों पर, ये 40 के 40 सीट पर बड़ी अंतराल से जिता रही हैं। आपके पार्टी के विधायक गोपाल मंडल, उनका कहना है कि 32 सीट से ज्यादा इस बार एनडीए नहीं। गोपाल मंडल जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, उनका आकलन हो सकता है, हमारी पार्टी का आकलन थोड़ा है। हमारी पार्टी जितने तीन चरण का जो चुनाव हुआ है, सभी जगह हम लोग जाने का हम लोग को मौका मिला है, जो उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, ये देखा जा रहा है कि 40 के 40 जो सीट है हमारे एनडीए के झोली में जाएगी।